डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वही अमेरिका में। अरे तू अमेरिका जा रहा है? मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा? मुझे कुछ बनना था, बनना था किसी की तरह, आपको सरनी चाटा मारा चाट। उस चाटे को इश्क कहते हैं। मुझे पता तू वहां खड़ी है, तड़प रही है फोन उठा दे। सर मेरे से नहीं होगा, मेरे पैर नहीं उठने। सर मदद कर दो, मेरे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। Fail again and then try again. Fail again and then try again. देखिए ये सातवां राउंड समाप्त कर दिया है। 25 किलोमीटर की ये दौड़ एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह पूरी कर ली। इसी के लिए पैदा हुआ था मैं। इसी के लिए मरूंगा। लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, दिल से जिए तो बहुत। सो गो ऑन, ब्रेक द रूल्स, फॉरगिव क्विकली, love truly and never regret anything that made you smile. क्या एक फिल्म के लिए 100 जगहों पर घूमेंगे आमिर खान? कब होने वाली थी फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज? कौन सी इंटरनेशनल लोकेशंस चुनी गई हैं लाल सिंह चड्ढा को शूट करने के लिए? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपकी दोस्त होस्ट मैं अनविता एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने, और अब लेकर चलती हूँ आपको बॉलीग्रेड स्टूडियोज के फिल्मी दुनिया में। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हर फिल्म की शूटिंग लोकेशन के बारे में काफी कुछ सोचा जाता है ताकि सीन्स को स्पेशल तरीके से शूट किया जा सके और रियलिटी से कनेक्ट किया जा सके। लेकिन क्या आपको पता है ये फिल्म लाल सिंह चड्ढा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 से भी ज्यादा जगहों पर शूट की जाएगी? जी हाँ, सही सुना आपने। और इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 31 अक्टूबर 2019 को चंडीगढ़ में शुरू हो गई थी, लेकिन मार्च 2020 में कोरोना के चलते शूटिंग रुक गई। मिड सितंबर में फिर से शूटिंग शुरू हुई और टीम दिल्ली में शूटिंग के लिए आई, लेकिन कोरोना के चलते इसकी रफ्तार भी धीमी हो गई। जैसा कि आपको पता है कि आमिर खान अपनी फिल्मों को क्रिसमस के मौके पर रिलीज करते हैं, तो इस वजह से इस फिल्म को पहले दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल किया गया था। हालांकि ये डेट अब आगे बढ़ा के नेक्स्ट क्रिसमस यानी कि दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिल्म मेकर्स ने दिल्ली, गुजरात, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाई थी। इन मेजर लोकेशंस के अलावा कई और राज्यों में भी फिल्म की शूटिंग होनी थी। अभिनेता आमिर खान इस फिल्म के लिए राजस्थान, चंडीगढ़, अमृतसर और कोलकाता जैसी जगहों पर फिल्म के कुछ अहम हिस्से शूट कर चुके हैं। लद्दाख की खूबसूरत वादियों में भी शूटिंग होनी थी जो कि अभी पूरी नहीं हो पाई है। इसके अलावा लाल सिंह चड्ढा जॉर्जिया और टर्की जैसी इंटरनेशनल लोकेशंस पर भी घूमेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इन जगहों को शूटिंग के लिए क्यों चुना गया, तो इसका जवाब भी मैं आपको देती हूँ। दरअसल फिल्म का मेन कैरेक्टर पंजाबी है, इसलिए चंडीगढ़, अमृतसर और नॉर्थ इंडिया दिखाना जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही ये फिल्म फॉरेस्ट गंप की अडेप्टेशन है जो कि जॉर्जिया में शूट हुई थी। कनेक्शन दिखाने के लिए शायद इस फिल्म के लिए भी इसी जगह को चुना गया हो। बाकी कहानी कई परतों में खुलेगी जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोकेशंस की जरूरत होगी, तो स्क्रिप्ट की डिमांड को देखते हुए इसे इतनी सारी जगहों पर फिल्माने का फैसला लिया गया है। कब पूरी होगी इसकी 100 जगहों पर शूटिंग, इसकी अपडेट भी हम आपको देने आ ही जाएंगे। लेकिन तब तक आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि लाल सिंह चड्ढा देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी फेवरेट अपकमिंग मूवीज के बारे में आपको अपडेट्स देते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा प्यार बरसाते हुए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड की मजेदार जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। दिस इज अनविता साइनिंग ऑफ। सायोनारा।